हम 7.2 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले सवाल देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, -7 और -4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये सवाल है। देखिए, ये अनुपात विभाजित सूत्र है मेरा, जो कि आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? अनुपात विभाजित सूत्र है, जो एक्स बराबर हमला क्या होता है, m(x2+n)(x1)/m+n, और ये y बराबर क्या होता है, y = m(y2+n)(y1)/m+n। तो ये जो सवाल है इसमें मेरा क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो सिर्फ इसमें अनुपात दिया हुआ है, हमको निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ये आपका ये आपका दिया हुआ, ये दिया हुआ और ये अनुपात में दिया हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर सवाल बना चुका हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, इसको रखा हूँ -1, ए को मैं ये माना हूँ, बी को ये माना हूँ, और ये अनुपात है 2:3। एक्स बराबर जो है वह -1 है, y2 बराबर कितना है, 4 है, और ये मेरा x2 बराबर 4 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, वो ये 7 है, और ये y2 कितना है, -3 है। ये इसको मैं m माना हूँ, इसको n माना हूँ, तो ये मेरा कितना हो गया, 2, ये 3 है। तो देखिए, एक्स बराबर कितना हो गया, m x2, ये क्या मेरा फार्मूला है जो आपको ये बताया था। ये m जो है, m कितना है मेरे पास, m का मान कितना है, m का मान 2 है, 2 रखा यहाँ पर। x2 कितना माना था, x2 देखिए 4 माना था, प्लस ये n कितना माना था, 3 यहाँ लिखे हैं। अब ये जो है मेरा क्या है, ये x1 हो गया, जो x1 मान का मान कितना है, -1 है, यहाँ पर रखें, और ये m n2 का मान यहाँ रख दिए, इसे गुना किए, 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। 4 × 8 आने के बाद देखिए, जो मेरा यहाँ गुना कर रहा हूँ कितना आ रहा है, 4, ये कितना हो गया, 8 -3, और ये 5 हो गया, जो मैं यहाँ पर गुना किया, देखिए कितना हुआ, 8 में 3 कितना, 5, यहाँ 5 हो गया, बराबर कितना, 1 आया। फिर देखिए, y बराबर निकाले हैं, तो m(y2+n)(y1)/m+n, जो है m का मान वहाँ दिया हुआ था, तो m का आप देख रहे हैं, m का मान दिया हुआ है, और y1 y2 का मान लेते हैं, जो यहाँ मैं पुट रखकर इसका मान पुट कर दिया हूँ। तो यहाँ कितना है, जो यहाँ पर x1 ये किया है, 2 -3+3 × 7 2+3, तो मैं इनको गुना किया हूँ, गुना करने के बाद कितना मेरे पास आया है, -6+21 21 आया है, 5 21 में 6 जाएगा 15 / 3, ये कितना जाएगा, 3 गया। ये कराने के बाद में आया ये x और y का मान कितना आ गया, x और y का मान 1 और 3। तो हमको निकालने क्या बोला जा रहा था, उस बिंदु के निशान ज्ञात करना है, तो ये x y का मान कितना आया, 1 और 3 आ गया। सेकेंड सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड सम त्रिभाज, यानी कि 3 भागों में, जहाँ सम लिखा हुआ है, त्रि बोल रहा है, मतलब 3 को 2 जगह भागेंगे, और 4 रहेगा तो 3 बार भागेंगे, 4 रहेगा 3 बार होगा, 5 रहेगा तो 3 बार होगा, 4 बार हो जाएगा, 5 तो 4 होगा, 3 है तो 2 बार होगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है त्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब क्या, 2 बार बांधेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो ए का मान यहाँ हो गया, बी का मान यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ कितना दिया हुआ है, ए का मान यहाँ में रखा हूँ, ये बी का मान यहाँ रखा है, और ये सी, पहले ये सी वाला लिया, जो यहाँ कितना है, 1, 2, तो यहाँ 2 मान है, 1 बचा तो 1 लिखे, जो जिस तरह यहाँ पर मान हम रखे हैं, यहाँ पर रख दिए हैं, कितना है मेरा रखा हुआ है, ये x का मान, y का मान, m का मान, सका मान लिख दिया हूँ, जो ये पे है माना था लिख दिया हूँ उसको, और ये इस फॉर्मूला पर मान पुट कर दिए हैं। इसका तो आंसर कितना है, पुट करने के बाद, जो 2 - 2 4 हो गया, और 1 × 4 4 हो गया, गुना के कितना हुआ, 0, तो गुना के 0 और 0, आंसर कितना है, 0 आ गया। तो देखिए, फिर एक्स और वाई का मान जो आगे चल के पता चलेगा, तो वाई का मान फिर ये फॉर्मूला पर पुट किया, जो मान इस प्रकार आया, जो मेरा मान ये गाता आया, इसकी बात करने के बाद क्या आया मेरे पास, ये करने के बाद कितना, -6 - 1/3, जो गुना करने के बाद, जो इसको -6 - 1 = कितना, -7/3 आया। तो ये वही मेरा यहाँ आंसर आया है, जो कि एक्स का मान 0 है, और y का मान कितना है, जो x का मान कितना है, 0 है, y का मान कितना है, -1, 3 है। फिर देखिए अगेन फिर से क्या हूँ, जो कि यहाँ पहले मैं क्या है, c के लिए किया, अब d के लिए किया था, तो यहाँ कितना है, 1, तो 1 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ कितना है, जो a d b है, तो 1 बचा, यहाँ था मैं c था, तो 1 2 हुआ, यहाँ 2 बचा, और जो इस प्रकार यहाँ मान रखा हूँ, जो कि मेरा क्या है, एक्स ये वाई, एम का मान भी क्या है मेरे पास रखा हुआ है, एम का मान भी मैं रखा हूँ। अब देखिए, ये
एक्स का मान, एक्स का मान इस प्रकार है, वाई का मान एक्स के लिए सब जो एम था एम के लिए एक्स टू एक्स जो ये मेरा फार्मूला था सब से मान पुट कर दिया हो तो ई गुना किए कितना आया, इतना आया, चार गुना कितना हो गया आठ हो गया, आठ में दो जाएगा कितना बचेगा छः जाएगा, ये माइनस प्लस तो ये माइनस साइन है और ये मेरा क्या ये एट है, तो आठ में जो जाएगा कितना छः बचेगा उसको भागा दी कितना है टू आया। फिर y के लिए मान रखें, y के लिए मान जो ये मैंने फार्मूला होता है इसमें मान रखें फूट किए तो माइनस थ्री मैंने फाइव हुआ कितना थ्री आया, एक्स वाई का मान के तो टू माइनस फाइव आया थ्री आ गया, जो कि क्या निकालने जा रहा था उस बिंदु के निशान निकालने बोला जा रहा था। तो पहला ये हो गया, दूसरा जो मेरा निशान था वो मेरा निशान कितना था ये था, इसका कम्प्लीट आंसर हो गया।